हाई डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 CBSE सैम्पल पेपर सेशन 24-25, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं जो CBSE ने रिलीज किया है विद मार्किंग स्कीम एंड की पॉइंट्स। सो मैं आपको समझाऊंगी आज कि हमें फाइनल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करके जाना है और CBSE ने कौन सा सैम्पल पेपर रिलीज किया है। सो सबको पता ही है पेपर पैटर्न, जो हमें तीन सेक्शंस में पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए 8 क्वेश्चंस MCQ जिसका वेटेज है 1 मार्क, सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस जिसका वेटेज है 2 मार्क्स, और इसमें 5 के 5 में आपको इंटरनल चॉइसेस आएगा। और सेक्शन सी हमारा आता है जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और हमें 2 अटेम्प्ट करके जाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सेक्शन ए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसमें आपके साथ ऑप्शंस नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। सो हम डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग श्री कृष्णा हैज़ बीन डिपिक्टेड एज अ चाइल्ड। सो इसका आंसर है नंद यशोदा एंड कृष्ण विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। सो यही एक पेंटिंग है जिसमें श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में दिखाया गया है। सेकेंड assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। assertion आपको पता है कि कोई दावा किया गया उसको हम assertion कहते हैं, और रीजन उसका जो स्टेटमेंट उसके सपोर्ट में दी जाता है रीजन, सो उसका कारण जो बताया जाता है उसको हम रीजन कहते हैं। सो इसमें है चांद बीबी प्लेइंग पोलो बिलोंग्स टू द डेक्कन जेंट्री। सो ये assertion है एंड इट्स ट्रू, चांद बीबी प्लेइंग पोलो डेक्कन स्कूल की ही पेंटिंग है। और रीजन है थ्रू दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट इज शोइंग वुमेन एम्पावरमेंट इवन व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा एग्जिस्टिंग। एब्सोल्युटली ट्रू। सो इसका आंसर रहेगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और क्योंकि बहुत बार आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे इस स्कूल से, डेक्कन से इस पेंटिंग का रेफरेंस दिया जाता है और आपसे पूछी जाती है, तो इसमें बहुत क्लियर है कि चांद बीबी प्लेइंग पोलो डेक्कन स्कूल की ही है। और जब पर्दा सिस्टम था तब भी इन फीमेल्स को गेम खेलते हुए, चौगन खेलते हुए दिखाया है। सो ये अपने आप में विमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। सो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्राफिक प्रिंट क्रिएटेड बाय फेमस प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट। इसका आंसर है देवी, हाउ मेनी फिगर्स ह्यूमन फिगर्स वर इलस्ट्रेटेड, कितनी ह्यूमन फिगर्स बनाई गई हैं इन अ मैनर दैट विजुअली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एपिसोड ऑफ भरत मीट राम एंड चित्रकूट। इस पर्टिकुलर पेंटिंग में कितनी ह्यूमन फॉर्म्स इलस्ट्रेशंस बनाई गई हैं। सो टोटल नंबर आर 49। सो आप देखें कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, या तो आपको पेंटिंग का, आर्टिस्ट से पेंटिंग का नाम पूछा जा रहा है, या कितनी फिगर्स बनी है वो पूछा जा रहा है, और आगे हम देखेंगे कि जिस तरह से फेसेस किस तरफ हैं या पोजीशनिंग किस तरह से करी गई है पेंटिंग में, वो सब पूछा गया है। सो नेक्स्ट पेंटिंग इन इन विच डायरेक्शन फेसेस ऑफ द हॉर्सेस आर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग चौगन प्लेयर। सो इसमें फेस टू फेस विद एवरीवन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, टू फेसिंग ईच अदर एंड 4 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू, टू फेसिंग ईच अदर एंड 4 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट यूज्ड इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। अब इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन इज रेड, ये तो सबको पता ही होगा। नेम द आर्ट वर्क ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटेड इन मोनोक्रोमेटिक टोन। अब आप देखें कि मुगल में आपके सिलेबस में कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो मोनोक्रोमेटिक टोन में बनी हुई है। विथ लाइट एंड शेड एंड शेडो आर सीन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ परस्पेक्टिव। इसमें परस्पेक्टिव थोड़ा बहुत आप देखें कि अगर बैकग्राउंड है तो उसमें दिखाया गया है, एंड इवन लाइट एंड शेड के थ्रू ये पेंटिंग बहुत अच्छे से डिपिक्ट की गई है। सो नेम ऑफ द पेंटिंग इज कबीर एंड रायदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ऑप्शंस आर बसौली, कांगड़ा, जयपुर, चंबा। अब इसमें 4 सब स्कूल्स के नाम हैं। अब आप देखें इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा पहाड़ी मिनिएचर का स्टाइल नहीं है। सो ऑब्वियसली पहाड़ी मिनिएचर स्टाइल पहाड़ी सब स्कूल में ही रहेगा ना, राजस्थानी में तो नहीं जा पाएगा। सो इसमें एक ऑप्शन है जयपुर। सो जयपुर बिलोंग्स टू राजस्थान, सो इसलिए द करेक्ट आंसर इज जयपुर। नाउ कम टू द सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 5ों में इंटरनल चॉइसेस हैं, ध्यान से पढ़िएगा। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और दिस सेक्शन इज एक्सपेक्टेड अराउंड 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स का मतलब है, देखें अगर हम एक लाइन में बात करें तो 9 to 10 words अगर आते हैं तो 1 page का आंसर बनेगा। मिनिमम 10 lines आपको लिख के जानी है इस आंसर में। आइडेंटिफाई द पेंटिंग and its artist from provincial school which reflects the grandeur of the Mughal Empire. अब सबसे पहले पेंटिंग को उन्होंने बोला है कि गेस करें और उसके आर्टिस्ट का नाम लिखें।
और ये जो मुगल एम्पायर और मुगल प्रोविंशियल स्कूल की ये पेंटिंग है, मतलब लेट टाइम पीरियड की ये पेंटिंग है। हेयर नियर द डिस्टेंस होराइजन वुमेन फ्रॉम द ग्रूम साइड हैव बीन शोन सीटेड ऑन एलिफेंट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टेब्ल्यू ऑफ द ग्रैंडियर सीन इन द पिक्चर। अब आपको यही समझ आ गया होगा पेंटिंग का ये पढ़ के ही कि मुगल की एक तो पेंटिंग है और उसमें साथ में लिखा है कि एलिफेंट पे जो बैठी हैं फीमेल्स उनके बारे में लिखें, एंड ग्रूम साइड तो शादी का तो एक ही सीन है, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। अब आपको मार्किंग स्कीम समझाती हूँ। बहुत बच्चे ना यहाँ गलती करते हैं, मार्किंग स्कीम पेपर में नहीं दी होगी लेकिन इवेल्युएशन किस बेसिस पे होगी वो मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पे पूछा है नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड आर्ट वर्क, ये 1 मार्क का रहेगा। अगर आप आर्टिस्ट का नाम नहीं लिख के जाएंगे 0.5 मार्क आपका कट जाएगा। सो एस्थेटिक डिपिक्शन ऑफ पेंटिंग अगेन फॉर 1 मार्क, और इसके की पॉइंट्स जो CBSE से आए हैं वो मैं साथ में दे रही हूँ यहाँ पे नीचे स्क्रीन में, आप वहाँ से नोट करके जा सकते हैं। सो एस्थेटिक डिपिक्शन का मतलब है कि आपको जनरल ब्यूटी वाइज उस पेंटिंग को एक्सप्लेन करके जाना है। सो नेक्स्ट हमारा इसी में और ऑप्शन, इसी का जो इंटरनल ऑप्शन हमें चॉइस दिया गया है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग इट्स अ सब स्कूल फ्रॉम डेकन। अब डेकन से एक पेंटिंग को हमको चूज करना है, आइडेंटिफाई करना है, इन विच द सेक्रेड रिलेशनशिप बिटवीन मेंटोर एंड डिसाइपल हैज बीन डिपिक्टेड। अब वो एक ही पेंटिंग है बच्चा, हजरत निजामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो, डेकन स्कूल का, एंड राइट एनी टू ह्यूमन वैल्यूज एक्सप्लेन थ्रू दिस पेंटिंग। अब ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ें, इन्होंने क्या पूछा है, टाइटल मीडियम स्टाइल ऑफ द स्कूल, ये 1 मार्क का रहेगा जो CBSE से आया है हमें, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट वर्क अलॉन्ग विद द ह्यूमन वैल्यू इज फॉर 1 मार्क। अब आप देखें राइट एनी टू ह्यूमन वैल्यूज पूछा है। अब किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि जी हमको डिस्क्रिप्शन नहीं देके जाना, सिर्फ ह्यूमन लाइफ वैल्यू दे जाना है। सो आपको थोड़ा सा तो पेंटिंग एक्सप्लेन करके जाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे मत छोड़ के चले जाइएगा कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू 2 पॉइंट्स लिखे दैट्स ऑल। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द टाइटल मीडियम एंड द स्टाइल एंड देन डिपिक्शन ऑफ द आर्ट वर्क विद ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि ये स्टूडेंट और टीचर और रिलीजियस सब्जेक्ट है और कैसे डिसाइपल और उसकी बीच की बॉन्डिंग को दिखाया गया है, और किस सब स्कूल की ये पेंटिंग है वो भी आप लिख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग एंड द आर्टिस्ट फ्रॉम द पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज इन विच कृष्णा सीन एज अ गॉड एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा एंड परमात्मा ये तो मेन सोल है इस पहाड़ी स्कूल की, ठीक है। अब इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द पहाड़ी मिनिएचर, आप ये देख रहे हैं ये 3rd क्वेश्चन मैंने सेक्शन बी में पढ़ा है, किसी भी पेंटिंग का नाम नहीं आया अभी तक। सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, सब में ये पूछा जा रहा है कि भाई ये एक लाइन दे दी गई है और उसमें आपको गैस करना है कि इस पेंटिंग की बात हो रही है, पेंटिंग गैस करें, आर्टिस्ट का नाम लिखें, पेंटिंग के बारे में लिखें। 2nd क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में था, 3rd क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में आया है। सो पहाड़ी मिनिएचर में हमें ये गैस करना है कि रागमाला सीरीज में से कौन सी पेंटिंग है और किसमें आत्मा परमात्मा का मिलन इस तरह से दिखाया गया है, ये डिवोशन। तो आप कृष्णा विद गोपीज की बात हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि दूसरी पेंटिंग तो उनके बाल स्वरूप की है। सो इसमें नेम ऑफ द पेंटिंग एंड आर्टिस्ट 1 मार्क एंड डिस्क्रिप्शन विद द थीम फॉर 1 मार्क। सो इसमें आपको ये पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज एक्सप्लेन करके जानी है। सो इसी में और की ऑप्शन में हमारे पास है देयर इज अ प्रोफाइल पोर्ट्रेट फ्रॉम राजस्थानी मिनिएचर। अब एक ही पोर्ट्रेट है साइड पोज एक लेडी का, जिस पेंटिंग का नाम है राधा बनी ठनी। सो देयर इज अ प्रोफाइल पोर्ट्रेट फ्रॉम राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग इन विच अ ग्लिम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड फ्रिजिलिटी आर यूज टूगेदर। वुमेन एम्पावरमेंट मैं नहीं इतना मानती कि उसमें है, बट हाँ फ्रिजिलिटी आज यूज टुगेदर, आइडेंटिफाई द पेंटिंग सब स्कूल एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड जेनरे। सो ये किस सब स्कूल की है, क्या सब्जेक्ट मैटर इसका लिया गया है और कौन सी ये पेंटिंग है, ये आपको लिख के जाना है। सो टाइटल ऑफ द पेंटिंग एंड सब स्कूल फॉर 1 मार्क एंड सब्जेक्ट मैटर फॉर 1 मार्क एंड लिटिल बिट ऑफ द डिस्क्रिप्शन पार्ट आपको लिख के जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इन दिस पेंटिंग द ब्रिलियंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड कमांड ओवर ह्यूमन एनाटॉमी मेक्स द एंगर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कम अलाइव। द डिपिक्शन ऑफ ओशियन गॉड फ्राइटन्ड बाय द एंगर ऑफ लॉर्ड राम इज एनहैंस्ड बाय द फ्लैशिंग लाइटनिंग। अब जिसने थोड़ा बहुत पेंटिंग्स पढ़ रखे हैं ना वो गैस कर जाएगा, बट आप बेटा ज़रूर पेंटिंग्स को पढ़ के जाना, अभी तक सारे क्वेश्चन पेंटिंग बेस्ड हैं,
कोई जनरल अभी नहीं आया है, सब पेंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पेंटिंग्स प्लीज छोड़ के आर्टवर्क्स मत जाइएगा. सो इसमें पूछा गया है, ब्रिलियंस ऑफ एक्सप्रेशन, कमांड ओवर ह्यूमन एनाटॉमी एंड मेक्स द एंगर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम. अब ये पेंटिंग है रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, ठीक है, जिसमें गुस्से में श्री रामचंद्र को दिखाया गया है ओशियन गॉड से बात करते हुए या उनको कहते हुए कि हमें रास्ता दें, जैसे उसमें उस सीन की डिपिक्शन की गई है. एंड आइडेंटिफाई द पेंटिंग, रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, आर्टिस्ट आपको यहाँ राजा रवि वर्मा की ये पेंटिंग है. यूजिंग एस्थेटिक पैरामीटर, एक्सप्लेन दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन द थीम ऑफ वाल्मीकि रामायण. अब ये ध्यान से पढ़ें, एस्थेटिक पैरामीटर्स मतलब आपको ब्यूटी वाइज एक्सप्लेन करना है इस पेंटिंग को. एस्थेटिक पैरामीटर क्या होता है बेटा, कि जब हम एलिमेंट्स और प्रिंसिपल के बेसिस पे किसी पेंटिंग को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब हमने खूबसूरती दिखानी है, कि जैसे श्री रामचंद्र जी को एनाटॉमी बहुत अच्छे से है, और जिस तरह से ये सीन बनाया गया है उस तरह की इमोशन है. अगर क्रोध में दिखाया, अगर आपने कोई भी माइथोलॉजिकल सीरीज कभी देखी हो या कभी ड्रामेटिक आपने कुछ देखा हो, तो जब भी भगवान को गुस्सा आता है तो कैसे दिखाया जाता है, बिजली कौन देगी, पानी बहुत, हवा बहुत तेज से चलेगी, पानी यूँ बहुत तेज से बहेगा, तो इसमें भी वही है ना, बिजली कौन थी दिखाई है, पानी पत्थरों से टकराता हुआ दिखाया, उनकी धोती उड़ते हुए दिखाई है, जहाँ से हमें वेग दिखता है कि हाँ भाई उतनी ज़ोर से हवा चल रही है. सो ये सब एस्थेटिकल पैरामीटर्स होते हैं उस पेंटिंग के. और एक्सप्लेनेशन होता है कि सीन का डिपिक्शन, स्टोरी लाइन, कि क्या दिखाया गया है इस सीन में. सो ये आपको थोड़ा सा लिख के जाना है. एंड ऑन द थीम ऑफ वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण तो आपको यूं ही वर्ड दे दिया गया है, सो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि रामायण वाल्मीकि जी ने जिस तरह से हम मानते हैं कि लिखा गया था, सो उसी के ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है. नेक्स्ट इसमें पेंटिंग है द फीमेल कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्टिस्ट हु गॉट ट्रेंड आउटसाइड द कंट्री. कौन सी ऐसी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्टिस्ट हमारी फीमेल थी जिसने बाहर से ट्रेनिंग ली थी. अब ये थे अमृता शेरगिल, जो थी इंडियन लेकिन बाहर से ट्रेंड होके आई थी. फादर इनके पंजाबी जाट सिख थे और मदर हंगेरियन थे इनकी, तो उसमें उन्होंने बाहर से ये ट्रेनिंग ली थी पेंटिंग का. सो मेड शी वॉज इंस्पायर्ड बाय द पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, यस, made a huge contribution by depicting the vulnerable condition and the sadness faced by the Indian female of that time. So हमने ये पढ़ा है कि अमृता शेरगिल ने अपनी paintings में rural village women का बहुत ये दिखाया था कि उस time पे उनकी जो position थी और जिस तरह से वो उनकी कंडीशंस थी सोसाइटी में, इतना कोई फ्रीडम नहीं था उनको, पढ़ाई लिखाई उनका ऐसा कुछ नहीं था, सो घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी. सो उस एक एस्पेक्ट को जो उन्होंने सोसाइटी के अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है, सो यहाँ उन आर्टिस्ट की बात हो रही है. बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट अमृता शेरगिल एंड द आर्ट वर्क अलॉन्ग विद इट्स मीडियम एंड टेक्निक. तो इनका हल्दी ग्राइंडर हमारे सिलेबस में है. इलेबोरेट ऑन द कंडीशन ऑफ फीमेल्स इन द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट टाइम एज अ पेंटर बाय हर इन द पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर कोर्स. सो आर्टिस्ट आर्टवर्क मीडियम एंड टेक्निक हमारा जो है वो 1 mark का रहेगा. एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन थ्रू आर्टवर्क, मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन द आर्टवर्क ओनली, बट लिटिल बिट आप एसेंस देख लिया करिए कि हमें पूछा क्या गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है ना आपका वहाँ से शुरू होना चाहिए. मतलब जिस तरह से बात पूछी गई आप उसी तरह से जवाब देंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ के गए हैं और एक पेंटिंग टक 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 हमने लिख दिया, ऐसा नहीं करना बेटे. सो नेक्स्ट, अ वुमन लाइफ इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ डेडिकेशन डिस्पाइट बींग एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी शी इज निग्लेक्टेड एंड नॉन एग्जिस्टेंट. फीमेल की यहाँ बात की गई है कि उनको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता सोसाइटी में. द प्रिंट मेकर अनुपम सूद हैज़ डिपिक्टेड दिस नेग्लिजेंस. अब अनुपम सूद ने इस टॉपिक पर बात की है, पेंटिंग बनाई है एंड नॉन एग्जिस्टेंस विद ग्रेट रियलिटी एंड सीरियसनेस इन हर ग्राफिक प्रिंट. और बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक प्रिंट उनका हमारे सिलेबस में है, अगर आपको फोटो वो याद हो. आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब दिस प्रिंट एम्फेसाइजिंग ऑन इट्स मीडियम एंड हाईलाइट. अब आपको पहचानना है वो कौन सा ग्राफिक प्रिंट है. डिस्क्राइब दिस प्रिंट एम्फेसाइजिंग ऑन इट्स मीडियम एंड हाईलाइट. मीडियम बता के जाना है किसमें बना है. द हाईलाइट द आइडलाइज्ड एक्सप्रेशन एंड इमोशंस दैट आर डिपिक्टेड इन इट. अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी इमोशंस उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, किस तरह से उन्होंने इस सब्जेक्ट को पकड़ा है और फिगरेटिव फॉर्म में और इतना रियलिज्म में कैसे उन्होंने इस सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है और कैसे वो इमोशंस हम तक पहुंचती हैं. सो इसमें की पॉइंट्स नीचे दे रखे हैं कि किस तरह से पेन एंड सैडनेस दिखाई गई है,
हॉलो फेस दिखाया है कि खाली चेहरा, कि लॉस्ट है वो अपनी ही आइडेंटिटी को लेके, इसीलिए उसका चेहरा खाली दिखाया गया है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है हमारा, इन दिस स्कल्पचर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस स्कल्पचर क्रिएटेड बाय राम किंकर बैच, ये इसके ऑप्शन में है कि और में, वी कैन सी अ ग्लिम्प्स ऑफ द लाइफ ऑफ द सिंपल पीपल विद हुम ही लिव्ड। अब राम किंकर बैच के स्कल्पचर्स, अगर आपने, खैर क्लास ट्वेल्थ में तो हम इतना डिटेल में नहीं शायद आप लोग पढ़ते हैं सिर्फ, बट राम किंकर बैच के सब्जेक्ट्स भी बहुत उन्होंने लाइफ से रिलेटेड लिए हैं। आइडेंटिफाई द स्कल्पचर, राम किंकर बैच का कौन सा स्कल्पचर है आपको याद होगा, एज पर योर सिलेबस इन विच ही हैज़ डिपिक्टेड अ माइग्रेंट फैमिली। संथाल फैमिली की यहाँ पर बात हो रही है, माइग्रेंट फैमिली है, बहुत थोड़ा सा सामान जो उनका उनके पास रहता है, उनकी दशा को दिखाया गया है, और उसी में किस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट भी लिया है, किस तरह से उन्होंने मटेरियल भी लिया है, मटेरियल भी इसी सब्जेक्ट, इसी थीम को सपोर्ट कर रहा है, फिगर्स भी उसी थीम को सपोर्ट कर रही हैं, जो एक्सप्रेशन है उनका वो भी इस थीम, इस सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। राइट अबाउट द स्कल्पचर बाय गिविंग इट्स नेम एंड मीडियम। सो सबसे पहले नेम एंड मीडियम देखे जाना है, अगर मीडियम एंड टेक्निक नहीं लिख के जाएंगे आधा नंबर आपका कट जाएगा, भले ही आप एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। सो काइंडली रीड द क्वेश्चन, जब आपको 15 मिनट का पेपर रीडिंग टाइम मिलता है तो बहुत ध्यान से पहले ही अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो सब्जेक्ट मैटर अगेन फॉर 1 मार्क, द डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स हैज बीन डन वेरी विविडली इन द मुगल मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल। यस, हमारे एक बर्ड्स की कौन सी पेंटिंग है मुगल में, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। The famous painting Falcon on Bird Rest is one of them. Describe briefly about the painting, highlight its artist, medium and technique. So, इसमें simple painting है, artist, medium, technique 1 mark का पूछा गया है, appreciation of artwork 1 mark का। So, simple आपको ये painting explain करके जानी है। आप इसी में और की category में है, why do you like the painting style of Deccan school? Support your answer with any 4 characteristics that you admire in this style. अब इसमें है reason for liking the Deccan school painting 1 mark, aesthetic characters 1 mark. So, इसमें अगर आपको 4 characteristics लेके लिख के जाने हैं तो ऐसा नहीं लिख देना linear beauty और ब्राइट कलर्स एंड ग्लोइंग कलर्स एंड प्रोफाइल फेसेस। सो यू हैव टू एक्सप्लेन देम ऑल्सो, गिव सब टाइटल्स एंड देन एक्सप्लेन दैट पॉइंट, दे गिव टाइटल, एक्सप्लेन द पॉइंट, एंड यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेंटिंग। सो इस तरह से आपको ये 4 पॉइंट्स लिख के जाने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन सी, जो मेन सेक्शन है हमारा, जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको 2 पूछे जा रहे हैं। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन अराउंड 200 वर्ड्स। अगर तो आंसर देखो बेटा, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा जाता है ना, मुझे लगता है कि 3 पेजेस से नीचे ही आंसर बनता नहीं है, फिर भी 200 वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 पेजेस तो मिनिमम हमें चाहिए इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने हमसे पूछा है, आइडेंटिफाई द पिक्चर बेस्ड ऑन द लव story prevalent in the desert which is associated with folklore of Dhola Maru in present times also and is narrated with great emotional sentiments. So आगे क्या पूछा गया है, name and explain the painting in detail, describe about the difference between the status of human forms painting. अब ध्यान से समझे इस सवाल को। उन्होंने बोला है कि जो लव स्टोरी ढोला मारू के ऊपर एक पेंटिंग है आपके सिलेबस में, जिसमें बहुत इमोशनल एक सेंटिमेंटल सा सीन है, आप बताएं कि क्या बना है। सो पहली ऑप्शन उन्होंने पूछी है, 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेम एंड एक्सप्लेन द पेंटिंग। सो मतलब पहले आपको नाम देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, एंड डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स पेंटिंग। स्टेटस ऑब्वियसली, एक अगर राजा रानी ऊपर बैठे हैं और नीचे उनके जो वॉलंटियर्स या आप कहें कि अटेंडेंट्स उनके साथ में जा रहे हैं, तो उनकी पगड़ी और उनकी पगड़ी में, उनकी ड्रेस और राजा की ड्रेस में, उनके ऑर्नामेंटेशन और राजा के ऑर्नामेंटेशन में, तो उसमें स्टेटस हमें दिखता है। सो ये उन्होंने पूछा है, तो इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे। सेकंड उन्होंने पूछा है, थ्रो लाइट ऑन इट्स आर्टिस्ट नेम, सब स्कूल एंड इट्स पेंटिंग स्टाइल। अब देखें कि आर्टिस्ट का नाम, सब स्कूल का नाम, पेंटिंग स्टाइल, मतलब किस तरह से वो पेंटिंग बनाई गई है, जो मिनिएचर के अपने जिस तरह से स्टाइल है, फिगर्स का फॉर्म कैसा रहा है, एक चश्मे चेहरे हैं और इस तरह से जो आईज वगैरह का आप थोड़ा सा लिख के जा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एस्थेटिक क्वालिटीज, अगेन आप लिख के जा सकते हैं कि जैसे कलर्स किस तरह से लगाए हैं, कॉम्पोजिशन किस तरह से बैलेंस की गई है, आप ये लिख सकते हैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड में कैलीग्राफी किस तरह से ऊपर दिखाई गई है। सो ये पेंटिंग को
आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सा पॉइंट किस उस सेक्शन में लिख के जाना है. जैसे थ्री पार्ट्स में ये क्वेश्चन आया ना, अगर आप डिस्क्रिप्शन में ही सारा कुछ लिख देते हैं तो सेकंड और थर्ड में आपके पास नहीं बचेगा कुछ लिखने के लिए. तो अगर उन्होंने एस्थेटिक क्वालिटीज़ पूछी है, एप्रिसिएशन वहाँ दे के जाएँ. जहाँ उन्होंने सब स्कूल्स और मीडियम और ये पूछा है, बी डाल के, ऑप्शन बी डाल के उसमें उसके आगे लिख के जाइए. और जहाँ उन्होंने सब्जेक्ट मैटर पूछा है तो वहाँ सब्जेक्ट मैटर की ही बात कीजिए. सो जिस तरह आंसर पूछा गया है उसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच एम्परर वॉज लिबरल इन हिज रिलीजियस बिलीव्स एंड हिज गवर्निंग पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ सेक्युलर थीम पेंटेड. सो हमने पढ़ा है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में दे रखा है कि अकबर का जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन टाइम पीरियड माना गया है. और हमें ये भी बार बार क्वेश्चन CBSE से पूछा जाता रहा है और अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी है कि अकबर बहुत लिबरल था. लिबरल उस सेंस में हम बात करते हैं क्योंकि उसके टाइम पीरियड में हमें हिंदू सेंट्स और गॉड्स गॉडेसेस की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन एंड तो उस बेसिस पे इनका क्वेश्चन बेस्ड है. हाउ डिड ही प्रमोट द बिलीफ ऑफ सेक्युलरिज्म थ्रू पेंटिंग्स. सो उसमें आप अपनी पेंटिंग का एग्जांपल देके जा सकते हो, कैसे उसने ये प्रमोट किया सेक्युलरिज्म पेंटिंग्स के थ्रू. आइडेंटिफाई द फेमस पेंटिंग मेड बाई यूजिंग द इमेज ऑफ अ हिंदू गॉड. अब यहाँ पे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की बात हो रही है. विच प्रोमोटेड सेक्युलर बिलीफ एसोसिएटेड विद दिस मुगल एम्परर. मैंशन द नेम ऑफ द आर्ट वर्क. आर्टिस्ट का नाम, स्किन, मीडियम, टेम्परा लिख के जाएंगे आप, वॉटर कलर. एक्सप्लेन हाउ दिस पेंटिंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस यूनिटी. सो उसी पेंटिंग को आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह आप मानते हैं कि ये सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है और हमको इस कैटेगरी में इस पेंटिंग को रखना चाहिए. सो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, इस बार ये चेंज है थोड़ा और एक आपके लिए और ईजी ऑप्शन CBSE ने कर दिया है कि एक क्वेश्चन में पेंटिंग का पिक्चर आ रहा है आपको. क्योंकि CBSE देखें, हम अगर बात करें अप्लाइड ग्राफिक पेंटिंग स्कल्पचर, इन सारों के सैंपल पेपर CBSE रिलीज करती है. तो चारों सैंपल पेपर्स को अगर हम देख रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने पेंटिंग में एक पिक दे रखी है. सो उसमें क्वेश्चन ये दे रखा है, आइडेंटिफाई द आर्ट वर्क प्रिंटेड बिलो, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगा, एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट दिस पेंटिंग रिलेटेड टू बंगाल स्टाइल इन योर ओन वर्ड. सपोर्ट योर आंसर विद द फॉलोइंग पैरामीटर. नेम इट्स आर्टिस्ट एंड द पेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल यूज्ड इन मेकिंग इट. सो सबसे पहले आर्टिस्ट का नाम, कैरेक्टरिस्टिक्स पेंटिंग के बारे में, द सब्जेक्ट मैटर नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है, एंड मैसेज विच आर्टिस्ट वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू दिस आर्ट वर्क. सो उसने क्या मैसेज दिया था, उसमें ये दिया था कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो अमीर गरीब का करता है, तो वो उसको ह्यूमन अनाटॉमी से या ह्यूमन लाइफ को एनिमल अनाटॉमी के थ्रू दिखाया गया था. उस फीलिंग को, उस दर्द को दिखाया गया है कि कैसे कैमल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, कि मोर देन एक्सपेक्टेशंस उससे काम कराया जा रहा है और वो उसी में, ज़िंदगी में उसी चीज़ में हम थक हार के वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है. ऑल्सो एक्सप्लेन द इमोशन एंड सेंटिमेंट्स दैट यू एक्सपीरियंस एंड डिराइव वाइल ऑब्जर्विंग एंड एडमायरिंग दिस पेंटिंग. सो ये पेंटिंग आपको एक्सप्लेन करके जानी है. सो अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो CBSE से आया है, नेम ऑफ द पेंटिंग, आर्टिस्ट, मीडियम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स 2 marks के, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, सब्जेक्ट मैटर 2 marks का, इमोशन, सेंटिमेंट्स, एक्सपीरियंस एंड डिराइव्ड 2 marks का. की पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं. सो अगर हम इस क्वेश्चन पेपर को समझें और जो हमें सैम्पल पेपर दिया है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है कि हमें पेंटिंग्स या आर्ट वर्क्स बहुत अच्छे से करने हैं. हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें जिस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमें अच्छे से करने हैं. हमें समझना है कि कौन सी पेंटिंग किस पे बेस्ड है क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. लेंथ का बहुत ध्यान रखना है. और जिस तरह से, ये एक बात आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से उसका आंसर उन पॉइंट्स में लिख के जाना है. सो दिस वाज द सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय द CBSE. सो मिलते हैं अगले सैम्पल पेपर के डिस्कशंस के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.